हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स योर फ्लाइट टू सक्सेस एंड यस टुडे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सो मैनी यू नो यू कैन सी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वेरी क्लियरली एंड वी विल अंडरस्टैंड बिकॉज ऑलरेडी हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं इन सेपरेट वीडियोज हमने उनके इम्पोर्टेंस जाने हैं तो ये एक वेरी रेडी uh, रेकनर जैसा होगा जहां पर आप पूरे फंक्शंस को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो उसका एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं सो विदाउट डिलेइंग मच स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट देर आर ऑलमोस्ट ऑल सिक्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग सो इस के मीनिंग्स और उनके डिटेल्स ऑलरेडी हमको पता है बट स्टिल वी आर गोइंग टू बिट यू नो टच द इम्पॉर्टेंस ऑफ यू नो कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विच आर दो मेन हेड पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हो ठीक है सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे सो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन विथ प्लानिंग सो वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग Organizing, staffing, as I have already told earlier, directing, coordinating, and controlling. So let's first uh, start with the first point that is meaning. Students planning is deciding in advance. The basic point you should remember under planning is deciding in advance. Obviously, what to do, how to do, uh, how to do it, when to do it, and who is to do it. So all these things have to be done in advance. So. यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है डिसाइडिंग इन एडवांस ठीक है देन अंडर ऑर्गेनाइजिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज डेफिनेटली यहाँ पे इनका मीनिंग कहां से शुरू होगा दैट यू आर डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज और द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप देम राइट यू आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स तो कौन करेगा ये सब ग्रुप ही तो करेगा ग्रुप ऑफ पीपल करेगा वॉट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विथ यू नो ऑल द रिसोर्स मेड अवेलेबल द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ठीक नथिंग बट इज अ फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सब जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा कुछ आता है तो इट इज नथिंग बट इट इज

ये गाइडेंस और इंस्पिरेशन पॉइंट्स आपको ये याद दिलाएगा दैट यस वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिंग ठीक है देन कम्स कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट यू शुड अंडरस्टैंड जो भी एफर्ट्स वो लेते हैं ग्रुप ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी इन एक्शन एंड ऑफ कॉमन गोल वर्ड सो एवर बट कोऑर्डिनेशन इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट सो ऑल आर कोऑर्डिनेटेड ऑल नो देयर वर्क दे आर डूइंग देयर वर्क सो Together they make an effort so that they achieve the goals and objectives of the organization, which are common. Okay. Then comes controlling, which is the recent topic which we have studied. Process of bringing actual results and desired results together. Remember standard performance, actual performance, okay, deviations, or then take corrective measures. I hope you recollected, children. So here you should remember bringing together actual results and desired results. So if these points then definitely you can write the meaning of all these functions. Hai? So let us go to the second point, children. The second point is about objectives. Okay. Now the first objective. Of obviously planning is to set goals you are setting goals here and choosing the means to achieve these goals so the planning is based on setting the goals you are planning matlab you are setting goals so this is the word you can underline or i have already highlighted then under organizing obviously we were talking about resources सो so, यहाँ पे यू आर आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग टूगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोज बिकॉज यू आर गिविंग इट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल वेर द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड तो यहाँ पर आप क्या करते हो आप आइडेंटिफाई करते हो और सारे रिसोर्सेज को लाते हो सो यू आर ऑर्गेनाइजिंग द स्टफ राइट थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या है स्टाफिंग का टू अपॉइंट द राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम ये तीनों बहुत जरूरी है तो ऑब्जेक्टिव इज अपॉइंटिंग द करेक्ट टैलेंट और कैपेबल पीपल टू द राइट जॉब ठीक है देन डायरेक्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होगा टू डायरेक्ट दबोर्डिनेट टू गेट दिंग्स डन द राइट मैनर दूसरो से काम निकलवाना प्रॉपर वे से दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग रिमेंबर यू आर इंस्पायरिंग यूर मोटिवेटिंग एनकरेजिंग एंड ट्राइंग टू टेक द थिंग्स डन फ्रॉम दैट ओके

फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग तो यहां पर होता है दैट यू आर एंश्योरिंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान ओके यू सेट स्टैंडर्ड्स तो आप क्या एंश्योर करते हो कि आपका जो भी अच्छी प्लान uh, है वो अचीव हो जाए अकॉर्डिंग टू योर प्लान राइट यू आर फोकसिंग ऑन दैट आपका जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है यू आर चेकिंग आउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस बट यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान कि हाउ टू अचीव दैट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है डायरेक्टिंग में टू एंश आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान ठीक है देन द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशन इज एरियाज ऑफ फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स प्लानिंग का एरिया जो है आई जस्ट मेन्शन द पॉइंट या प्लानिंग uh, का एरिया जो है इट इज अबाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाइंग द वे ऑफ अटेनिंग द गोल एंड द सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान तो इनका एरिया है सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब आप एक अच्छा प्लान कर रहे हो सो दैट यू अचीव द सक्सेस तो आपका बेसिक एरिया ऑफ फंक्शन क्या है एक अच्छा सा प्लान तैयार करना जिसको फॉलो करते ही कंपनी में ग्रोथ होगा प्रॉफिट्स होंगे ठीक है ऑर्गेनाइजिंग में अगेन हम क्या करते हैं वी आर आईडेंटिफाइंग रिलेशनशिप वी आर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज वी आर असाइनिंग द वर्क वी आर प्रोवाइडिंग द रिसोर्सिज एंड देन ऑल्सोलिशिंग दी रिलेशनशिप तो यहाँ पर क्या आएगा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीजी हाईलाइटेड ठीक है देन कम्स आपका स्टाफिंग अगेन् चिल्ड्रन ना थिंग्स रिपीटेड तो आप एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको पता है कि द पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन क्या है देन यू कैन अकॉर्डिंगली स्टार्ट राइटिंग द डिफरसिएशन पॉइंट ठीक है तो यहाँ पर वो लोग बोल रहे कि एरिया ऑफ फंक्शन क्या है टू इंक्लूड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट कॉम्पनसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑब्वियसली स्टाफे में होता क्या है यू आर रिक्रूटिंग आप सिलेक्ट करते हो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब उनको ट्रेनिंग देते हो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स टू अपडेट प्रोग्राम कॉम्पनसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सो तो ये उनका फंक्शन है ठीक है डायरेक्टिंग में क्या होता है इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग इंस्पायरिंग कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज तो ये तो उनका काम है एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना गाइड करना मोटिवेट करना कम्युनिकेट करना ओके सो दैट थिंग्स आर डन स्मूथली ठीक है कोऑर्डिनेटिंग जहां तक है इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल मिडिल एंड लोअर लेवल मतलब यहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं या सारे जो लेवल्स होते हैं दैट इज टॉप मिडिल एंड लोअर दे इंक्लूड टुगेदर और सबके एफर्ट्स आते हैं साथ में वही उनका काम है इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल द मैनेजमेंट लेवल्स ओके सो यहाँ पर जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ

It includes setting up of standards, measurement, and comparison with the actual performance and taking corrective steps whenever necessary. So, I hope in key areas are clear and they are very simple. Here, you have to remember under controlling standards and measurement and comparison of standard performance with actual performance. If there are any deviations, take the corrective measures and then come back to the standard performance. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फैक्टर्स नाउ देर आर सो मेनी फैक्टर्स स्टूडेंट्स इंटरनल है एक्सटर्नल है तो कौनसी चीजों और कौन से फंक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लानिंग दोनों फैक्टर्स बहुत जरूरी है जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स राइट सेकेंड इज योर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो बोहोत फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप इंटरनली भी चेक करते हो और बाहर का भी आपको कंसिडर करना है सो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स इन अरेन्जमेंट ऑफ रिसोर्सेसिंग इज कंसर्ड विद बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रिक्रूट सिलेक्शन जो भी होता है ये इंटरनल फैक्टर के जरिए ही होता है सो यू कैन सी मोस्टली इट इज इट्स मोस्टली कंसर्न ओके विद इंटरनल फैक्टर्स स्टाफिंग इज रिक्रूटिंग सिलेक्टिंग इजेंट इट तो ज्यादातर इंटरनल फैक्टर्स ही इनको अफेक्ट करते हैं मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग तो इंटरनल फैक्टर्स लागू होते हैं जेट दट इज ह्यूमन रिसोर्सेज अंडर कोऑर्डिनेशन इट इज अमोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब पीसफुली काम करवाना करके लेना और करना सो इट इज अ

एक्चुअली प्ले अ रोल हाउ इज देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये ही इस पॉइंट में यू नो एक्सप्लेन किया है इनकेस ऑफ प्लानिंग इट इज ऑब्वियसलीस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोई भी चीज किसी भी प्रॉपर प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती है एडवांस प्लानिंग की बहुत जरूरत है सो इट इज द फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इनकेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग ऑब्वियसली ना जैसे आप प्लान करोगे वैसे ही आप ऑर्गेनाइज करोगे So, your plan, organizing will be based on planning. How are you going to arrange for the group of activities, employees and uh, resources? Third is staffing. Obviously, it follows organizing function. When everything is organized, you take a call on staffing. Okay? Giving the right person, the you know, uh, selection, recruitment, job you want to give accordingly. देन कम्स योर डायरेक्टिंग इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग डेफिनेटली क्योंकि अगर आप डायरेक्टिंग करे हो तो पहले तो वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए और लोग होने चाहिए फ्रॉम फॉर होम योर डायरेक्टिंग आप किसी को किसको मोटिवेट करोगे किसको इंस्पायर करोगे सो फर्स्ट यू शुड नो यू हैव टू ऑल्सो टेल देम अबाउट हाउ टू यूज द रिसो तो आप डायरेक्ट कर रहे हो राइट सो इन दैट केस डायरेक्टिंग फॉलोज ऑर्गेइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग ठीक है Then coordination obviously it is an important element of organizing which follows planning. Because coordination is done according to the plan. Right? But it is one of the elements of organizing only because you are organizing the things in such a way everybody does their work. Clear. Lekin, which follows planning also. And the last one control it is an and function of management process. Students always remember.

बेस्ड ऑन दिलिटी कितने रिसोर्स और कौन कौन से आपके पास है इनकेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्वियसली यू वील ऑल अवेलेबल रिसोर्स जैसे मैन मनी मटीरियल मशीन मेथड आर अरेज इनैटिक मैनर इजेंट हिट वेन ऑल दिस कम टूगेदर धैन ओनली ऑर्गेनाइजिंग कैन हैपिन तो ये रिसोर्सिस है इन केस ऑफ स्टाफिंग इट इज अ प्रोसेस रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आप करेक्ट पर्सन को करेक्ट जॉब देते हो करेक्ट टाइम पर है ना सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस देन कम्स यूर डायरेक्टिंग दैट इज इट गिवस डायरेक्शन टू द एम्प्लॉज रिगार्डिंग यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टिंग में क्या होता है यू आर मोटिवेटिंग एनकरेजिंग और यू आर डायरेक्टिंग देम इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज Regarding how to use the resources. So here it is this way. You are giving direction. Okay. Coordination is it is related to human resources. Obviously human come into uh, picture here because you are giving the entire clarity about their job to different departments where they have to coordinate. the who so, coordinate coordinate? Human resources. I meant to say employees, workers. So that's why it is related to human resources.

all resources are required to achieve the goals of organization. Okay? then the next point is nature. now what is the nature of these functions of management? students, first of all, planning. it's a continuous in nature. planning now i'll relax. it exists in the whole life of the organization.

इनकेसाफिंग इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस डील्स विद एम्प्लॉयज है ना ये स्टाफिंग तो होते ही रहते है बिकॉज यू आर कीपिंग ऑन रिक्रूटिंग सिलेक्टिंग गिविंग ट्रेनिंग सो इट्स अट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस देन कम्स योर डायरेक्टिंग आप नहीं बोल सकते आज ही मैं सिर्फ डायरेक्ट करूंगा कल से वो खुद करेंगे या आज ही मैं मोटिवेट करूंगा बस हो गए अगेन इट्स अगेन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यू हैव टू डायरेक्ट हैव टू चेक आउट डूइंग वॉट एंड करेक्ट और टेल देम गेट द थिंग्स डन फ्रॉम देम

अगर आपको पता लगाना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है सेल्स में क्या हो रहा है परचेज में क्या हो रहा है तो यू हैव टू कीप अपडेटेड यू हैव टू कोऑर्डिनेट इच एंड एवरी मूवमेंट है ना इन ऑल मैनेजीरियल लेवल सो दैट्स इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस देन अंडर कंट्रोल इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट वंस एंड द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड सो अंडर डायरेक्टिंग इनका नेचर कैसे है इट स्टार्ट वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड जो भी उनका एक्चुअल है जैसे ही शुरू होता है वो तभी स्टार्ट हो जाता है ओके सो दैट्स द नेचर ऑफ ऑल फंक्शंस। देन द लास्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओके

इट्स मिडिलेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन एंड टॉप लेवल इज कंसर्न विद प्रोमोशन एंड कॉम्पन्न मतलब होता है और उनका जो प्रमोशन करना होता है या कॉम्पनसेशन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती ठीक है देन कम्स यूर डायरेक्टिंग ऑब्वियसली मिडिलस यू कैन सी दे आर कीपिंग ऑन यू नो डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज टू वर्क Oh, and then comes your coordination. Yeah, it is related to all the levels of management to achieve the goal of organization. Because coordination me her level me or all the levels of management has to coordinate together. Na? So it is not about only top level, only lower level. No, all levels of management are equally important so that they can go towards the achievement of a common goal of the organization. Last but not the least, uh, I think controlling, uh, control, uh, top and middle level management are responsible for controlling the activities. Definitely, because these are the people who are checking out the standard performance, what they have want, and what are their actual performance, what they have done, and then try to, uh, if they find any changes, as I am repeating this point again, because this will fit in your mind, children, that this is controlling. तो so, यहाँ पे कौन से मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन दिस इज टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ठीक है बिकॉज दे आर द वन हु कंट्रोल द एक्टिविटीज सो स्टूडेंट्स दुडे वी हैव एक्चुअली डिफरेंशिएटेड ऑल सिक्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट टू वेरी क्लियरली एंड इन अ वेरी इजी मैनर सो एनी डिफरेंसिएशन आपको एग्जाम में आए बोर्ड एग्जाम में आए और वेरे वो इन एनी एग्जाम यू आंसरिंग ये हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे डेफिनेटली आई आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इफ सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट सेट इन दिसन एंड टूडे ऑफिशियली वी हैव कम्पलीटेड द सेकेंड चैप्टर एंड नेक्स्ट विल सॉलविंग द एक्सरसाइज इज दैन चिल्ड्रन थैंक यू सो मच थैंक यू